कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने मात्र एक छोटा सा आग्रह किया कि हम सब एकजुट होकर एक छत के नीचे श्रद्धांजलि देने के लिए मौन धारण किए खड़े हों उनके लिए जो शहीद हुए एक सशक्त भारत के लिए। मैं आभारी हूं कि यहां बिना किसी शोरगुल के अनुशासन का प्रमाण देते हुए स्वेच्छा से एक एक हिंदुस्तानी नतमस्तक होकर खड़ा हुआ। वैसे तो ये मंच था उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो जीवन की आपाधापी में किसी ना किसी चुनौती से गुजर रहे थे, प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से मुद्रा का उन्हें लोन देकर प्रोत्साहित करने का प्रयास था, इस मंच पर उन बेटियों को शिक्षा देकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, स्वावलंबी बन सके, इस ध्येय के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लेकिन आज एक शोकाकुल राष्ट्र उत्सव के माहौल में नहीं है, बल्कि चिंतन के माहौल में है। और शोकाकुल मुरादाबाद को मैं मात्र माननीय प्रधानमंत्री जी के आज सुबह के स्वरों को सीधा साझा करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है देश को कि जो बलिदान है हमारे जवानों का वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन लोगों ने हिंदुस्तान को चुनौती दी है उस चुनौती को स्वीकारा है हिंदुस्तान ने और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक गौरवशाली राष्ट्र अपने जवानों की शहादत को कभी नहीं भुलाएगा। आज यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय हिंद।